अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सांझा दस्तखान। आप सभी व्यूअर्स का मेरे सांझा दस्तखान में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज मैं अपने दस्तखान में पेश करने जा रही हूँ विक्स वेजिटेबल्स चीज़ कटलेट। तो चलिए हम बता देते हैं आपको हमने किन किन सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है कटलेट बनाने के लिए। ये तीन पोटैटो हैं, बॉयल्ड पोटैटो हैं, जिनको हमने मैश कर लिया है। इसको बस पोटैटो को हम इस तरह से बॉयल करेंगे कि ये ओवर कुक ना हो। ये गाजर है, एक गाजर कद्दूकस करिए, ये तकरीबन हमारी एक कप के आसपास है। और ये शिमला मिर्च है, आधी शिमला मिर्च है, आधा कप है। और ये हमारा कैबेज है, यानी कि पत्ता गोभी, ये तकरीबन हमारा एक कप है। ये स्प्रिंग अनियन है, आधा कप स्प्रिंग अनियन है। ये स्प्रिंग अनियन का ही आगे का पार्ट है, वाइट पार्ट है, ये भी आधा आधा कप है दोनों। और ये हमने ये धनिया थोड़ा ज़्यादा से लिया है, ये हरी मिर्च है दो तीन, और ये अदरक है एक इंच का, जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है बारीक। और ये हमारा आधा कप मटर है, ये फ्रेश मटर है, ये फ्रोज़न मटर नहीं है। और ये हमारी चीज़ है मोज़ारेला चीज़। और पिसी मसालों में ये देखिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। मैंने 1.5 स्पून रखा है, 1.5 टीस्पून। ये 1 टीस्पून हमारा कुटी हुई लाल मिर्च है। ये मैंने आधा चम्मच ज़ीरा रखा है। और ये काली मिर्च पाउडर है आधा चम्मच। और ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है कटलेट्स में। और ये हमने मैदे की स्लरी बनाई है, यानी कि हमने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा लेके और इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाला है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये रहेगी, हमें इतना ही पतला बनाना है, गाढ़ा नहीं रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। और ये ब्रेड क्रम्स हैं थोड़ा सा, ये किशमिश है, और ये काजू हैं, काजू को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और ये हमने एक नींबू रखा है, इसका हम रस निकालेंगे अभी। तो चलिए सबसे पहले हम तैयार करते हैं, हम सबसे पहले सब्जियों को हल्का सा फ्राई करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से करेंगे। देखिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। और इसमें हम डाल देंगे ज़ीरा, इसमें हम डाल देंगे अदरक जो हमने बारीक काट कर रखी थी, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ में हम सबसे पहले डालेंगे मटर, हमने मटर को सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है बस। इसी के साथ हम इसमें गाजर डाल देंगे। देखिए सब्जी को हमें हल्का हल्का फ्राई करना है, हमें ओवर कुक नहीं करना है, सब्जियों को गलाना नहीं है। इसको चलाएंगे कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद ये हम अपने स्प्रिंग अनियन डाल देते हैं, जो वाइट पार्ट है पहले हम वो डाल देते हैं। बस हम ये अब डाल देंगे अपने स्प्रिंग अनियन, ये है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, और ये पत्ता गोभी, और साथ में हमने हरी मिर्च भी डाल दी। बस 30-35 सेकंड के लिए हम इसको ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 30-35 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें हम जो आलू हमारे मैश करे हुए हैं उसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। टेबल्स मैंने सारी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दी है। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही मैंने समझ लीजिए आधा टीस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है कि जो हमारा पोटैटो है वो इसमें चिपके ना। और ये हम अपने पोटैटो को इसमें फ्राई कर लेंगे। हमने सब्जी अभी हाई फ्लेम में ही हमने फ्राई करी थी और पोटैटो को भी हम हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने पोटैटो भी फ्राई कर लिए हैं हाई फ्लेम पर ही,
दो से तीन मिनट तक। अब मैं इसको ठंडा करूँगी। देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी हैं और आलू भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इस सबको मिक्स कर लेंगे। जो हमने ये फ्राई किए थे पोटैटो वो हम डालेंगे वेजिटेबल्स में। ये जो पीसे मसाले हैं ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। ये काली मिर्च पाउडर है, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक और कुटी हुई मिर्च, सब हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए ये कटे हुए काजू हैं और ये किशमिश। और ये जो नींबू का रस निकाल के रखा है हमने एक, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल्स, आलू और सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये जो साथ में हरा धनिया काट के रखा था वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स मिलाऊंगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लूंगी मैं। ये देखिए सब कुछ मिक्स हो चुका है ये। अब इसका हम छोटा छोटा पार्ट लेकर जिस शेप में चाहें उस शेप में आप इसके कटलेट्स बना लीजिए। मैं थोड़ा राउंड शेप दूंगी इसको। इसको हाथ में रख के इस तरह से फ्लैट करके, और ये जो हमारी चीज़ है मोज़रेला चीज़, ये क्रस्ट थी, ये कद्दूकश करी हुई थी, मैंने इसके ये छोटे छोटे बॉल बना लिए हैं इसको। और ये बॉल अब मैं इसके अंदर रखूँगी और इसको पूरा कवर कर दूँगी। ये देखिए, और मैं इसकी छोटी छोटी टिक्की टाइप में बना लूँगी। आप चाहें तो कोई भी शेप रख सकते हैं अपनी पसंद का, रोल भी कर सकते हैं, स्टिक बना सकते हैं। मैं इसको ये शेप दूँगी इस तरह से बना के। मैं पहले रख देती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए मेरे पास क्रस्ड मोज़रेला थी इसलिए मैंने ये वाली इसको रोल बना बना के डाल दिया है। आप दूसरी ला के उसके क्यूब्स काट के इसके अंदर रख सकते हैं। और ये कटलेट बनाने से पहले आप इसका थोड़ा सा नमक वगैरह भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि चीज़ में भी काफ़ी नमक होता है। इसी तरह से हम इसके कटलेट्स बना बना के रख लेंगे अपने मनपसंद के साइज़ में। ये देखिए मैंने कटलेट्स बना कर रख लिए हैं सारे एक साथ। अब हम एक एक कटलेट को लेंगे और जो हमने ये स्लरी तैयार करी है, घोल तैयार करा है मैदे का, देखिए बिल्कुल पतला है ये, ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, हमें इतना पतला ही रखना है। और बहुत ही हल्का सा इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, बहुत हल्का सा, इसका जो बस फीकापन है वो ख़त्म हो जाए। बाकी हमारे कटलेट्स में बराबर से नमक मिर्च सब कुछ है, ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें डिप करेंगे, उसके बाद हम इसे क्रम्स में डालेंगे, ब्रेड क्रम्स में। देखिए अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स मौजूद नहीं हैं तो आप इसमें बारीक वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे क्रंची हो जाते हैं हमारे कटलेट्स। ये देखिए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। बस इसी तरह से हम सारे अपने कटलेट्स तैयार कर लेंगे। जब हमने इसके अंदर चीज़ बॉल डाली थी हम अपने कटलेट्स में, बस ये ध्यान रखेंगे कि अच्छी तरह से हमने इसको कोट कर लिया है, नहीं तो फ्राई करते टाइम इसमें से जो चीज़ है वो बाहर निकल जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये देखिए
मैंने स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्स से इसे कोट कर दिया है और ये बिल्कुल तलने के लिए तैयार है। तो चलिए हम इसको तलते हैं। डीप फ्राई करूँगी कटलेट को। मैंने पैन में जो तेल लिया है मीडियम हीट था, बहुत तेज़ गर्म नहीं था। आप चाहे तो इसको कम तेल में ही फ्राई कर सकते हैं। अभी फ्लेम मेरा हाई है, फ्लेम मैं मीडियम कर दूंगी और जब हल्का सा ये सेट हो जाएगा ऊपर से क्रम, तब मैं इसको पलटूंगी। देखिए 15 से 20 सेकंड तक हमने इसको एक साइड से फ्राई किया है, अब हमने इसे पलट दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। थोड़ी देर बाद हम इसको फिर पलट लेंगे। ये देखिए कटलेट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम हम थोड़ा सा हाई कर देंगे क्योंकि अंदर से अच्छी तरह सिक चुके हैं, बस ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। हम इसको फ्राई करने से पहले इसी तरह से एक जिप्लॉक बैग में हम पैक करके रख सकते हैं इसको फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए। जब आपके कोई गेस्ट आए या जब कभी मूड हो तो आप जब मर्जी इसको फ्राई करके खा सकते हैं। ये देखिए हमारे कटलेट्स पूरी तरह से क्रिस्पी हो चुके हैं और ये अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम फिर से मीडियम हाई पे करके तेल और जो बचे कटलेट्स हैं वो भी डाल लेंगे। इसी तरह से इसको फ्राई करना है हमें। इनको भी हम ऐसे निकाल लेंगे। देखिए ये हमारे सही बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं। इसको हमने किचन टॉवल में निकाल लिया है, पेपर टॉवल में। फ्लेम हम बंद कर देंगे और इनकी हम प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको मेरे मिक्स वेजिटेबल चीज़ी कटलेट्स की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्द ही हाजिर होंगी एक नए वीडियो के साथ एक शानदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।